दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर से बनने वाले हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स की, जहाँ पे पानी आपका डिपॉजिट होता है और उससे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है। इमेजिन करिए ऊपर जमीन पे एक गड्ढा हुआ। अब इस गड्ढे से यार कभी पानी अंदर गया होगा, और क्योंकि अंदर केव में टेम्परेचर अगर लो रहा है तो वहाँ पानी जम गया होगा। जब ये पानी ऊपर केव के अंदर सीलिंग में जम गया होगा और कुछ ऐसा अगर इसने शेप लिया होगा, इसका नाम हम रख देते हैं स्टैलेक्साइट। ध्यान रखना इस सी को, इस सी से आप सीलिंग याद कर सकते हैं। जब ये हमारा डिपोजिशन नीचे होता है जमीन पे केव के अंदर, उसका नाम हम देते हैं स्टैलेगमाइट, जिसे आप ग्राउंड यहाँ पे याद कर सकते हैं। और जब कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर और नीचे दोनों कंबाइन हो जाते हैं और मिल जाते हैं, एक पिलर का शेप ले लेते हैं, तो इनको हम पिलर या फिर कॉलम बोल देते हैं। और फिर यूपीएससी आपसे पूछ लेता है कि कौन कौन से लैंडफॉर्म हैं जो हमारे बनते हैं ग्राउंड वाटर के डिपोजिशन से।